शीट फॉर्मर्स, ये बेसिक मॉडल है शीट फॉर्मर का। दिस इज SCA टाइप शीट फॉर्मर। ये स्क्वायर टाइप शीट फॉर्मर है एंड दिस इज ऑटोमेटिक टाइप शीट फॉर्मर एंड दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। सबसे पहले कैसे करेंगे विजय, शुरू से बताएं एक बार कैसे। बल्क को डिसइंटीग्रेट कर लिया। बल्क को डिसइंटीग्रेट करेंगे। डिसइंटीग्रेट करने के बाद हमें इसकी शीट फैब्रिकेट करनी है। अच्छा, तो हम पहले सेमी ऑटोमेटिक शीट फॉर्मर पे शीट फॉर्म करते हैं। तो हमने रिक्वायरमेंट क्वांटिटी में अपना बल्क लिया, जितने ग्राम की भी हमें शीट बनानी है उसके अकॉर्डिंग हमने लिया। हमने इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसमें ऑटो ग्रेनिंग स्टीयरिंग फैसिलिटी है जिससे कि हम स्टीर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ऑटो स्टीयरिंग है जी। हमने बल्ब को स्टीर कर लिया। ओके, तो इसके साथ एक एयर कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट रहेगी जिससे कि हम स्टीयरिंग कर लेंगे। उसके बाद ऑटो ड्रेनिंग है, ये हमने ड्रेन कर लिया सारा बैक साइड से, हॉल से रिलीज हो जाएगा। अच्छा, पाइप निकाल के आपने सारा पानी इसमें से निकाल दिया और ये वैक्यूम क्रिएट होके फिर आपकी शीट ऑटोमेटिकली हमारी। अच्छा, शीट बन गई। ओके, रखा। अच्छा, कोचिंग इसमें, अच्छा यहीं पे कोचिंग हो जाएगी। शीट हमारी आ गई, बहुत ही अच्छी। प्रेसिंग के लिए है तो यहाँ पे प्रेसिंग दी गई है। अच्छा, बिल्टिन एक प्रेसिंग भी है। कोचिंग वहीं होने के बाद फिर आप इसे शीट प्रेस बिल्ट इन है इसके अंदर। आपने ये शीट प्रेस का बटन यहाँ से है। अच्छा, यहाँ पे फ्रंट पैनल पे ही दिया है। अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे कि जितने रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड टाइम चाहिए उतनी देर आप, अच्छा उतने सेकंड्स के अंदर आप उसे शीट प्रेस कर लेंगे। अच्छा, अब वो आपने जो शीट को प्रेस किया था, ये शीट प्रेसिंग बिल्ट इन थी, ये होने के बाद ये शीट रेडी होगी और फिर आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं यहीं पर ही। तो ये हीटर इसमें आपने दिया हुआ है, यहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर। अच्छा, तो कितना टेम्परेचर रखेंगे जनरली? 70 डिग्री। अच्छा अच्छा, तो हीटर ऑन करके आपने फिर 70 डिग्री तक ये टेम्परेचर इसका हो जाएगा और उसके बाद आपकी शीट ड्राई होकर आपको फ्रेश शीट मिल जाएगी। क्या एरिया है जी इसका, राउंड एरिया 167 का सेंट्रल वो है। तो ये तो इतना हो रहा है, इतना जो टाइम लगेगा इसमें। ये स्क्वायर वाले जो हैं, ये KCL टाइप जो मॉडल है, बहुत सुन, इसमें शीट बड़ी मिलती है। इसमें शीट आप टेस्टिंग के लिए काफ़ी बड़ा स्पैन मिलता है आपको। अच्छी, दिस इज 200x200। तो इसमें आपको पूरे एरिया से मिल जाएगी और आप इसको पूरा काट पाएंगे। बिल्कुल, आप सारी प्रॉपर्टीज चेक कर पाएंगे। ये कम्प्लीट है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज इसमें कम्प्लीट। अगर आपको इंडीज वाले लेना है। अच्छा, अगर आप ये उसके साथ इंडिविजुअल भी शीट प्रेस, हाँ, अगर इंडिविजुअल शीट प्रेस है, इसमें आप प्लेट्स को यहाँ पे रख सकते हैं। टाइमर है, रिक्वायर्ड टाइम यहाँ पे आपने फीड करना है और प्रेस कर देना है। प्रेस होने के बाद फिर रिटर्न होता है। यहाँ से आप प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी ही आपकी शीट बन गई होगी, जरा इसे एक बार देख लें ड्राई होगी क्या। इसमें बोथ साइड हीटर आपने दिए जी, बहुत बढ़िया। समय लगेगा। अच्छा, आपको ग्लेज शीट मिलेगी। ग्लेज शीट मिलके फिर हम उसे प्रॉपरली डिग्री SR भी यहाँ पर अपने दोनों, लेकिन आपने कैनेडियन टाइप रखा है। और एक ये SCA मॉडल,